हेलो हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। उम्मीद गुड इवनिंग सर। करता हूँ आप लोग सबके सब अच्छे होंगे, सही से होंगे, घर पे होंगे या ऑफिस में होंगे, जहाँ पे भी होंगे। स्लोली चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इवनिंग सर, आई एम प्रोशनजीत बोशाक फ्रॉम पीएलएस एकेडमी। हाय, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? फाइन सर। आई एम ए प्रोफेशनली आई एम ए डाइटिशियन ओके, एंड ज्वाइन दिस कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, इंटरेस्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ग्रेट ग्रेट। मिस्टर प्रसन्नजीत, इन केस आई कैन आस्क यू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू ज्वाइनिंग दिस कोर्स? My personal interest Oh, about that is fine. It could be your personal or professional interest. That is fine. But आपको क्या लगा जिसकी वजह से आपको ये लगा कि ये कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए? especially the after the this situation, everything digitalized, and my profession also there is a big scope to be better with this digital marketing. ओके, नाइस, ग्रेट। तो दोस्तों, हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे और आज हम बेसिक्स और फंडामेंटल से शुरू करेंगे। पहले मैं, जितने लोग आ चुके हैं, मैं सबको वेलकम करता हूं। मेरा नाम शाकिर है, मैं हैदराबाद से हूं और एक हमारी कंपनी है डिजिटोज, वो डिजिटल मार्केटिंग और वेब सॉल्यूशंस के अंदर है। और ट्रेनिंग मेरा पर्सनल फ्लेयर है, इसलिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स को और एंटरप्रेन्योर्स को मैं ट्रेंड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे। और ख़ास तौर से ये पेंडेमिक जो ये सिचुएशन आ गया, तो उसके अंदर तो भाई यू आर फोर्स टू लर्न इट, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। तो हम सब फोर्स हैं कि हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए से ही अपने बिजनेस को भी बढ़ाना है, अपने कॉन्टैक्ट्स तक भी पहुँचना है। तो आज हमारा पहला सेशन है, इंट्रोडक्शन अबाउट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर होगा, और उसके ऊपर हम अलग अलग चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे पास एक घंटे, 1.5 आवर्स का स्लॉट है, बट जैसे आज पहला दिन है, आज थोड़ा सा वेट करने में टाइम लग गया। बट मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कल एटलीस्ट 7:50 शाम में, 7:50 तक आप अपने आप को रेडी करके सारे के सारे जो है अगर आ गए, तो उससे क्या रहता है कि जो लोग टाइम पे आ रहे हैं उनको दूसरों के लिए वेट नहीं करना पड़ता। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कल से ऑन टाइम रहें और हम ऑन टाइम इसका डिस्कशन शुरू करेंगे। तो मैं आज जो है एक एक करके आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप लोग अपना माइक ओपन करके और अपने बारे में बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम शाकिर है, मैं डिजिटल से हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ और तकरीबन ऑलमोस्ट मोर देन 20 प्लस ईयर्स से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। तो मैंने बताया, और अक्रॉस द कंट्री और कंट्री से बाहर भी विजिट करता रहा हूँ, और ये एकेडमी से रिलेटेड भी है और ये बिजनेस से रिलेटेड भी है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ है मेरे बारे में। उसी तरह से जैसे हमारे प्रसन्नजीत सर ने बताया अपने बारे में, तो आप लोग भी एक एक करके थोड़ा सा बता सकते हैं। अच्छा, मैं क्यों जानना चाहता हूँ ये भी मैं बता दूँ, उससे ये होगा कि मुझे स्टूडेंट के प्रोफाइल के, आप पार्टिसिपेंट्स जो हैं आपके प्रोफाइल के बारे में मुझे आइडिया होगा, और फिर मैं जो एग्जाम्पल दूंगा वो मैं कोशिश करूंगा कि आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। जब वो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा तो फॉर श्योर आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए अगर आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ब्रीफ, बहुत ही छोटा सा, एक 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड्स के लिए, एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर आवर मेन सेशन। कोई भी एक तरफ से शुरू कर सकते हैं। या अनिमेश Sir, I am Anonymous Mandal and I am doing computer application in IGNU, Indira Gandhi National Open University. Great. तो आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन करने का सोचा? सर, जब
इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं इस पैंडेमिक के बाद नहीं कर रहा, जो सिचुएशन है देश जैसा आगे बढ़ेगा तो हर तरह से एवरीथिंग एवरी प्लेस वी नीड टू बी डिजिटलाइज्ड. करेक्ट करेक्ट वेरी ट्रू. तो इसलिए मैंने ज्वाइन करना चाहता हूँ और कोर्स मेरा बीसीए खत्म होने के बाद कुछ तो करना पड़ेगा जी. ये भी सच है तो ज्वाइन करना है. और कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन जो मैं कर रहा हूँ अभी, एक चीज मैंने समझा, ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई लिमिट नहीं होता. आज आप एक चीज बना लेंगे तो कल उसी से आपको डेवलप करना पड़ेगा. Updated, always updated. So it is a never-ending course. That's why I joined. Very good, very good. बहुत सही कहा आपने. And विवेश के मैं ये कोशिश करूँगा कि end of this session, जब तक ये course हमारा complete हो, जिस intention से आप इस course को join किए हैं, probably आप उसको fulfill करें और आपको वो सारे benefit मिले जो कि आप expect करते हैं. Thank you, Animesh. Yes, please. Hello, hello sir. Yeah. Hello sir. Yes. Hello please. Sir. Myself Kunal. Okay. Hi Kunal. Hello. Good evening sir. Very good. Sir, I am from PSA Academy. I am doing digital marketing course, and I have completed graduation, and after that I have done MBA from Sikkim Manipal. Okay. And currently I am engaged in a institute nursing home. Mm-hmm. And besides this I am doing this course. Okay, so in nursing home what do? I'm like, you are taking care of the business expansion or you are taking? No, as a administrator I am pursuing there. Okay. So what is the intention that you joined this course? What made you to join? To upgrade myself and digitalized myself with this new environment. Okay. So that is my main motto. Mm-hmm. So definitely if I develop myself, so gradually my market value will increase. And that is, I believe. Very true. And it's not that we believe that market value will increase. Yeah. It's certainly going to increase. It's not only increase, it is going to amplify. It will help you to multiply multiple times to your skill sets for the level that you are, because next is digital, and one thing is very sure, we may live without newspaper, we may live without books, but we cannot live without digital platform in current scenario. Exactly. So we are forced to learn it. Either we learn it with our own interest or we are forced to learn it. So that is the scenario. Thank you for joining this course. Same to you. Thank you, sir. Hello, sir. Yes. Who is that? Hello. Myself, Bappaditya Adok. Okay. Hello, sir. Myself, Bappaditya Adok from Peerless Skill Academy. Okay. By education, I am a BTech holder. Okay. And professionally, I am design engineer. Mm-hmm. Sir, I have joined this course to make a second source of income, specifically. Okay. I would like to choose digital marketing because my intuition is such as near future, most of all platform will be digital based. Very true. That's why, sir, I have chosen digital marketing course. Great. Thank you, Papa. And thank you, sir. Anyone else who can say? Sinesh? Hello, sir. Hi. Hello. Yeah. Hello. Yes, please. Hello. Yeah. Hello. I am Govinda Saha. Okay. Hello. Sunai de raha, sir? Haan jai, sunai de raha, boliye. Achha. I am Govinda Saha from Calcutta. Okay. At a time, I am joining with my peerless PGFI, but I still LIC agent. Okay, good. From 8 years. Mm-hmm. At a time, marketing आप direct हो सकता है sir. अभी जो situation है वो digital में convert हो गया.
करेक्ट डिजिटल में हम कमजोर है, इसीलिए ही आपके पास आया। मेरा बिजनेस, मेरा पर्सनल ऑफिस है, 3-4 स्टाफ है, बिजनेस हो रहा है, इनकम भी हो रहा है, लेकिन आपको खुद को डेवलप करने के लिए और बिजनेस के आगे बढ़ाने के लिए आपको पास आया। वेरी गुड। और मुझे उम्मीद है कि जब तक ये कोर्स खत्म होगा तब तक आप अपने बिजनेस से रिलेटेड बहुत कुछ सीख चुके होंगे और शायद आप खुशी खुशी जो है अपने बिजनेस को एम्पलीफाई और अपने बिजनेस को बढ़ाने के अंदर ये कोर्स जरूर आपका हेल्प करेगा। और अभी मैं बताऊं आपको कि हमारे साथ जो जैसे मेरी कंपनी है डिजिटोज, जहाँ की हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं, वहाँ पुणे से, बैंगलोर से, चेन्नई से इंश्योरेंस एजेंट और लोन एजेंट हमारे सर्विसेज को ले रहे हैं, इसलिए ताकि वो अपने कस्टमर्स तक पहुंच सके और पॉलिसीज वो बेच सकें या फिर लोन वो लोन को ऑफर कर सकें। तो आपने सही किया है और सही ज्वाइन किया है। लेट्स सी मैं कितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन आप लोगों को दे सकता हूँ और फिर उसके हिसाब से करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। ओके थैंक यू सर। हेलो सर। यस, हु इज दिस? हाँ सर, आई एम प्रियंका फ्रॉम कोलकाता। हाय प्रियंका, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हमने रिसेंटली 2019 में एमए इन एजुकेशन कंप्लीट किए हैं और हम करेंटली हम एंगेज विद एन इंस्टीट्यूट ऑफ एडुकॉन। ओके। हाँ तो मैं देख सकता हूँ आपका प्रोफाइल एडुकॉन कोचिंग ही बता रहा है। हाँ, एडुकॉन कोचिंग है मेरा प्रोफाइल है। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर्वर का, इसलिए मैं अपना अकाउंट से लॉगिन नहीं कर पाया। तो मेरा एडुकॉन इंस्टीट्यूट से किया हूँ, नेक्स्ट दिन से हम हमारे अकाउंट से करवा देंगे। सो हम ये कोर्स सीखना चाहते हैं। बेसिकली अभी तो सब जगह डिजिटाइज इंडिया चल रहा है। सही है। तो ये कोर्स हमने सोचा कि बहुत अच्छा होगा मेरा इंस्टीट्यूट के लिए भी और मेरे लिए भी। आपके इंस्टीट्यूट क्या पढ़ाता है? ऑल सब्जेक्ट्स फॉर एनी बोर्ड्स। ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ एनी बोर्ड? नहीं, ऑल सब्जेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 10। आईसीएससी, सीबीएसई, वेस्ट बंगाल, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास। अच्छा, तो स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सबको पढ़ाते हैं? गुड। हाँ, विद मॉक टेस्ट सब कुछ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है आप ये कोर्स सीखने के बाद क्या कर सकती हैं? सीखने के बाद सर देखिए, मेरा ये जो इंस्टीट्यूट का काम है, इसको हम अगर स्टूडेंट के बारे में अगर हमको और स्टूडेंट बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, पूरा आजकल जो पूरा डिजिटाइज हो गया है, ठीक है, उसके लिए मैंने सोचा कि ये कोर्स अगर हम सीख लेते हैं तो मेरा इंस्टीट्यूट के लिए भी और मेरे लिए भी, दोनों के लिए ही भला होगा, इसलिए हमने चूज किया। बहुत अच्छे एंड मुझे हाँ, मैं बेसिकली साइंस और कंप्यूटर दोनों देखती हूँ, ऑल्सो आर्ट सब्जेक्ट भी देखती हूँ, तो बेसिक कराती हूँ मैं, ठीक है। और डिजिटल दुनिया का बहुत सारे हमको पता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी काम होता है बेसिकली बैंक वगैरह सब कुछ हमको डिजिटली करना पड़ रहा है। अभी जो सर मैम है हमारे यहाँ पर, तो उन लोगों का फीस देने में, ठीक है, फीस कलेक्ट करने में और ये जो एड वगैरह सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो ये अगर कोर्स हम सीख ले तो और हम बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। वेरी ट्रू। और यही कारण है दिस लेसन टू हमने ये सीखा। बहुत अच्छी बात। इट्स रियली दैट यू हैव वेरी क्लियर विजन। और मैं यही कहता हूँ कि हम पहले दिन स्लो हो सकते हैं, दूसरे दिन स्लो हो सकते हैं, लेकिन जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर कर लें कि उनका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हमने ज्वाइन किया है, पता चला हम ज्वाइन कर रहे हैं। ना आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, ना हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है। हम लोग क्या करने के लिए, अपने विजन को आप बिल्कुल क्लियर रखें और पेन एंड पेपर के साथ अपने विजन को क्लियरली लिख के रखें
कि इस कोर्स के एंड होने तक हमको क्या सीख लेना है अपने बिजनेस से रिलेटेड, या एक स्टूडेंट है तो उसको क्या पूरा कंप्लीट कर लेना है सो दैट वो एम्प्लॉयबल हो जाए। अगर कोई ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो वो कैसे अपने बिजनेस को, अपने अपने इंस्टीट्यूशन को, अपनी कंपनी को कैसे वो बेनिफिट पहुंचा सकता है, इसके बारे में वो क्लियर कट अपना विजन रखे। और फिर अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे आप एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई रिलेटेड है, तो आप अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, बिजनेस चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उसको भी नोट डाउन कर ले। और उसके बारे में अगर मुझे पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे तो मैं डायरेक्टली कौन से प्लेटफॉर्म पे, अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, गूगल में रैंक कर रहे हैं या फेसबुक पे मार्केट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो आप कर सकते हैं वो चीज मैं फिर बताऊंगा आपको। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कोई बोल सकते हैं अपने बारे में? सर, कैन यू हियर मी सर? यस, आई कैन हियर यू। सर, माय नेम इज स्नेहाशीष कुमार। यस स्नेहाशीष। सो सर, आई हैव बीन वर्किंग विद अ प्राइवेट फर्म फॉर द लास्ट 3 इयर्स which is basically involved in IT training and in the education business, education sector, actually. Okay. So, I was really curious about how these different social media channels like Facebook, Instagram, and YouTube, how particularly they make money? You know, what is their actual revenue source? Okay. Then I went through some of the blogs and videos, YouTube videos, obviously. Okay. And I just came to know about this particular term, digital marketing. Okay. And I'm into this course from the very beginning of this year. I have gone through a few YouTube videos as well. Okay. That what is actually this digital marketing? That's all. Mm-hmm. And I found that it could be another lucrative career option as well. Correct. If I take it as a freelancer, and that's why I am here. I want to take this course as a parallel career option for me. Okay. And that is my purpose to join this course. Okay, great. बहुत अच्छी बात है, and I'm sure that it will serve your purpose. और आप इस चीज से जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा फायदा उठाएं। और अगर मैं ये पूछूं कि अगर आपका इंस्टीट्यूशन जो है, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह का, यानी आईटी एजुकेशन में है या जो भी है, तो वो किस तरह का? नहीं, ये एक्चुअली आईटी ट्रेनिंग मतलब ये फाउंडेशनल कंप्यूटर कोर्स लेकर नेटवर्किंग लाइक साइबर सिक्योरिटी हर तरह की कोर्स ऑफर करते हैं। ओके। और ये गवर्नमेंट की एक बेसिकली ये PSU है, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग कंपनी, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो एडुकेशन डिपार्टमेंट है उनके लिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। ओके। तो लाइक ICT ट्रेनिंग जो अभी बहुत सारे स्कूल्स में 5 to up to class 9 जो कंप्यूटर ट्रेनिंग दिया जा रहा है हर स्कूल में, वेस्ट बंगाल के हर स्कूल में, उसमें हमारा कंपनी इन्वॉल्व है। और उसके अलावा इंडिविजुअल्स के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग का भी अरेंजमेंट करता है हमारा कंपनी। ये आवाज आ रही है, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? हाँ, चलिए ठीक है जी, सॉरी स्नेहशिक। हाँ सर, प्लीज। हाँ सर, तो इंडिविजुअल लेवल पे भी ये बहुत सारा कंप्यूटर कोर्सेस ऑफर करते हैं मेरा जो इंस्टीट्यूशन है। और उसके अलावा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो एडुकेशन डिपार्टमेंट है उसके लिए भी बहुत सारा कंप्यूटर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है हम। जैसे कि अभी सेकेंडरी स्कूल्स में, हमारे स्टेट में सेकेंडरी स्कूल्स में एक ICT ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, स्कूल्स की स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर लिटरेसी देने के लिए। तो उसमें भी एज अ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एजेंसी मेरा फर्म इन्वॉल्व है। ओके, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा जान के, और मुझे उम्मीद है और हम अच्छा ही करेंगे। और आप बिल्कुल सही पर्पस के लिए आए हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका कोई एक टूल भी अगर आपने ढंग से पकड़ लिया, कोई भी एक टूल, यानी डिजिटल मार्केटिंग एक बिल्कुल समंदर, एक बिल्कुल ओशियन है, और इसका कोई एक टूल या दो टूल भी अगर आपने प्रॉपरली पकड़ लिया,
तो मेरा ख्याल से इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर होल बिजनेस और योर करियर टू प्रॉस्पर, वो आपके लिए काफी होता है। और हर एक स्ट्रीम अपने आप में ओशन है, यानी अगर मैं कहूँ कि सिर्फ गूगल रैंकिंग और गूगल रैंकिंग की बात करूँ तो वो अपने आप में इतना इनडेप्थ रखता है कि पूरा का पूरा करियर अपॉर्चुनिटी उसके अंदर है। अगर कोई ये कहता है कि मैं सिर्फ फेसबुक के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, तो फेसबुक अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ के आप लाखों लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ लाखों लाख रुपए के आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, और लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले होंगे, लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने चीज से रिलेटेड सीख लेना है कि भाई आपको कैसे फायदा पहुंचेगा। सो लेट्स सी हाउ वी कैन गो फर्दर, राइट। थैंक यू Shneshis, thank you. और कोई है? I can see Apurva Kund. Hello, sir. My name is Devani Bhattacharji. Yeah, Devani. And I am from Kolkata. Okay. I am a art and craft teacher, and also I have learned. Hello. Yeah, I am able to hear you. मैं सुन रहा हूँ आपको. I listen. Okay. And I have learned. Web designing. I have learned web designing from iMagic Institutions. Okay. I want to learn digital marketing for. Also, I am a YouTuber. I want to enhance my YouTube channel, and I want to do a art craft business, especially because I am also an art craft teacher. So I want enhance my crafts business or. Like that, so I want to learn digital marketing so that I can get contact with the world global. Got it. Very good, Devani, and I appreciate that you are already learned digital web designing. You are already a YouTuber, so probably this platform, this whole team, including me, will get chance to learn from you as well. Wish you all the very best, Devani. My pleasure, sir. Right. My pleasure, sir. Right. So we have two more persons. I think Apurva Kundu. I'm like quite senior person. In case you can please let us know your purpose of joining this course or. Anyways, if okay, fine. And we have one more gentleman called Galaxy J4 Plus. I don't know what is his name. So in case he can talk, if he is willing. Okay. So anyways, so we had a very great interaction, and still two more participants are joining, I think. Yes, one more gentleman has joined. Anyway, so let's start. Thank you one and all. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वेलकम है कि हम लोग इस चीज को शुरू कर रहे हैं. तो सबसे पहली चीज ये है कि मैं ये एक्सप्लेन, जैसे 10th को जब हमारा सेशन था तो हम लोग ये समझने और समझाने की ये कोशिश कर रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग से क्या बेनिफिट होगा, क्या होगा. आज मैं क्विकली एक छोटा सा पीपीटी है, पीपीटी तो लंबा है लेकिन आज की डेट में हमारे पास जितना भी वक्त है, एक 20 and 30 ऑलमोस्ट 60-70 मिनट्स का जो भी हमारे पास टाइम है, हम 40-50 मिनट्स का जो भी टाइम है, हम उसके अंदर देखते हैं कि क्या हो सकता है. तो मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूं, आप सबको मैं म्यूट कर रहा हूं, और जब आपको अगर बोलने की ज़रूरत होगी तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और आप उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं. और हम क्या करेंगे कि मैं पहले बोल देता हूं, सारी चीज़ें ये हो जाती हैं, तो उसके बाद सेशन के ख़त्म होने से पहले 8:30 9 o'clock पे, जैसे 9:30 पे हमारा सेशन ख़त्म होना है, तो हम क्या करेंगे कि एक 9:25 पे मैं पॉज कर दूंगा, और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट डे, इस लेक्चर के फर्स्ट डे में, हम लोग उसको एड्रेस करेंगे. तो मैं अब स्क्रीन शेयर करूंगा और फिर मैं आपसे ये पूछने की कोशिश करूंगा कि वेदर
आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? Yes, sir. I can see this. Yes, sir. I'm seeing the screen. Yes, sir. I can see. Okay, fine. तो अब आप लोग जो है अपने आप को mute कर लें, so that background noise जो है बहुत ज़्यादा ना हो, और आप video on कर सकते हैं. Otherwise, video अगर नहीं भी on कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि video इसलिए भी आप on ना करें. उसकी वजह यह है कि bandwidth issue होगा तो आप ही को सुनने में problem होगी और आप ही को देखने में लेक्चर सुनने में प्रॉब्लम होगी. तो आज के सेशन का जो मौजू है, आज के सेशन का जो टॉपिक है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग ये एक करियर अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके लिए ये बिजनेस टूल है, राइट? तो ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. आप देखिएगा कि कोई नॉर्मल स्किल सेट ऐसा बहुत मुश्किल से मिलता है जो कि स्टूडेंट के लिए भी वही एप्लीकेबल है और बिजनेस मैन के लिए भी वही एप्लीकेबल है. तो ऐसा बहुत मुश्किल से मिलता है, बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां के आपको दोनों के दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप आंसर ना दें, बस आप देखें इस चीज को कितना यूनिक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स एडेड पर सेकेंड. हर सेकेंड में दुनिया में कितने इंटरनेट यूजर्स एड हो रहे हैं? मेरे ख्याल से आपके आंसर जो है 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 हो सकते हैं, बट यू विल बी सरप्राइज, आपको बहुत सरप्राइज होगा कि ये उससे बहुत ज्यादा है. उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, नंबर ऑफ वेबसाइट्स आर लॉन्च्ड एवरी डे, हर दिन कितने वेबसाइट्स, नए वेबसाइट्स लॉन्च होते हैं, .com, .in, .au, .us, .ca, जितने भी देख लें पूरी दुनिया के अंदर कितने वेबसाइट्स लॉन्च हो रहे हैं, तो ये आप देखिए. तीसरा क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो मेगा सेल डे होता है या बिग बिलियन डे होता है, वो एक दिन में या 3-4 दिन के अंदर कितना बिजनेस करते हैं? इसके बारे में अगर जब इसके फैक्ट को देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज कि अपॉर्चुनिटी कितना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितना है. और एक सिंपल सा चीज है कि हम और आप सबके सब फेसबुक बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पिक्चर्स अपलोड करते हैं. क्या आपको पता है कि एक दिन के अंदर कितने फोटोग्राफ्स अपलोड होते हैं फेसबुक पे? तो हम देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, देखते हैं क्या कुछ हमें पता चलता है. सबसे पहला क्वेश्चन था कितने इंटरनेट यूजर्स ऐड होते हैं, तो आप ये देखिए कम से कम की बात कर रहा हूं, 10 से 12 न्यू इंटरनेट यूजर्स एवरी सेकंड ऐड होते हैं. मुमकिन है ये थोड़े बढ़ते भी हो. दूसरा, न्यू वेबसाइट्स लॉन्च पर डे ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास, 200,000, यानी 2 लाख वेबसाइट्स पर डे लॉन्च होते हैं. आप सोचिए कितनी मार्केटिंग की जरूरत है, यानी अगर 2 लाख वेबसाइट हर दिन लॉन्च हो रहा है तो हर वेबसाइट को मार्केटिंग की जरूरत है, हर वेबसाइट को डिजिटल प्रेजेंस की जरूरत है. और अगर हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन की बात करें तो मेगा सेल डे जो रिपोर्ट ये बताता है, लास्ट कपल ऑफ ईयर्स का 1-2 साल का रिपोर्ट ये बताता है कि इस दौरान कभी कभी वो 15,000 करोड़ से ज्यादा का सेल कर जाते हैं. जितना कि एक बड़ी बड़ी कंपनी का टर्नओवर नहीं होता, वो 3-4 दिनों के अंदर वो उतने का सेल कर जाते हैं, राइट? और फ्लिपकार्ट और अमेजोन के पास कोई अपनी दुकान नहीं है, कोई उनका अपना माल नहीं है. कौन ये लोग बेचते हैं? ये यूजर्स बेचते हैं, हमारे और आपके तरह का स्टोर कीपर बेचता है इस प्लेटफॉर्म पे सामान बेचता है. तो उनको बिजनेस भी मिलता है, बायर को सेलर मिलते हैं, सेलर को बायर मिलता है, और इस तरह से वो करते हैं. और अगर हम पांचवा क्वेश्चन जो था हमारा कि फेसबुक पे कितने फोटोग्राफ्स हर दिन अपलोड होते हैं, तो 350 मिलियन बोले तो 6 जीरोज आपको लगाना होगा. तो आप जीरोज काउंट करें कि कितने पिक्चर्स अपलोड होते हैं. तो ये तो सिर्फ बेसिक टिप्स है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना कुछ एवरी सेकंड हो रहा है. नाउ ये प्लेटफॉर्म है किसके लिए, ये डिजिटल मार्केटिंग है किसके लिए? तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपके अंदर कोई पैशन है, जैसे हम में से 1-2 साथी ने कहा कि हम कुछ करना चाहते हैं, अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हैं, या जहां हम जॉब कर रहे हैं वहां अपनी इफिशियंसी को बढ़ाना चाहते हैं. एक अनिमेश ने ये कहा कि जो बीसीए कर रहे हैं उसके बाद वो
कुछ ऐसा स्किल डेवलप करना चाहते हैं ताकि वो या तो फ्रीलांसिंग कर लें या फिर जो है उसी लाइन के अंदर जॉब ज्वाइन करें। उसी तरह से एक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ने ये कहा कि वो ये चाहती हैं कि इसके जरिए से बिजनेस ऑप्टिमाइज किया जाए। तो आपके अंदर एक पैशन है, हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक पैशन है कि वो कुछ नया और अलग करना चाहता है और वो एक ट्रेंड भी सेट करना चाहता है कि भाई अपने लाइन के अंदर उन्होंने कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत अच्छा किया है। उसी तरह से जो ट्रेडिशनली होता आ रहा है यानी मार्केट में जो अब तक होता आ रहा है उससे कुछ अलग हटके हम करना चाहते हैं या फिर आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू लिव योर ओन लाइफ। सो इफ एनी ऑफ द आंसर इज येस देन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज बेसिकली फॉर यू एंड आई एम श्योर दैट ये चारों क्वेश्चन में से चारों के चारों आंसर तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू विल हैव आंसर कॉल येस। तो ये जो आप ये समझे कि आपका जो पैशन है जब वो बिजनेस जनरेट करना शुरू कर देगा तो आपकी इफिशियंसी बहुत बढ़ जाएगी। जब आप एक ट्रेंड सेट करेंगे सो यू बिकम ट्रेंड सेटर इन द मार्केट, लोग आपको फॉलो करेंगे और आप जो ट्रेडिशनली हो रहा है कि दुकान खोल के ही बिजनेस होता है, पैसे लगा के ही धंधा किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, इसके बियॉन्ड भी बिजनेस किया जा सकता है एंड दैट इज वॉट वी आर मेंट फॉर। हम जो डिजिटल एरा में हैं आज की डेट में, हम डिजिटल एरा के अंदर हैं, हर एक चीज डिजिटलाइज हो रखा है और हम डिजिटल एरा के अंदर हैं, तो हमारे पास ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको प्रॉपरली इसको हम अगर लर्न करें और इसको अनवाइंड करें, लर्न करें और इम्प्लीमेंट करें तो मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल चीज हो जाएगी। अब आप देखिए, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी के अंदर हर दिन कौन सी ऐसी चीज है जो कि उनके लाइफ को इफेक्ट किए हुए है, और क्या आपको लगता है कि क्रिएटिविटी एक आपके अंदर बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है या फिर इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके तरीके वे ऑफ लिविंग योर लाइफ, इट कैन चेंज वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। तो ये सारी चीजें यानी आप अगर देखें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज की डेट में कौन सी चीज जो है इफेक्ट कर रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि भाई आप सुबह जितने बजे भी आप उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, जितने बजे भी आप उठते हैं, सबसे पहली चीज आप क्या करते हैं? आप अपना मोबाइल ओपन करते हैं। तो ये एक रिसर्च के अंदर आया, जैसे 3 नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो ज्यादातर ये कहा जाता है रोटी कपड़ा और मकान, यानी एयर वाटर एंड शेल्टर, ये मोस्टली कहा जाता है। बट इन करंट सिनेरियो इट्स नॉट एयर वाटर एंड शेल्टर, इट्स एयर वाटर एंड इंटरनेट। अगर आपके मोबाइल के ऊपर डेटा अवेलेबल नहीं है फॉर 1 आवर, यू विल गेट मैड, आप बिल्कुल मतलब पागल हो जाते हो कि अरे यार डेटा काम नहीं कर रहा, क्या हो गया, फोन स्विच ऑफ करते हैं, फिर फोन स्विच ऑन करते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है, हम देखते हैं फेसबुक पे क्या अलर्ट आया है, हम देखते हैं व्हाट्सएप पे क्या मैसेजेस आए हैं, फिर हम कहीं अगर मीटिंग पे जा रहे हैं और हमारे पास वक्त है तो हम फेसबुक ब्राउज करते हैं, व्हाट्सएप ब्राउज करते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, कोई यूट्यूब चैनल हम देखते हैं, हेडफोन लगाते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं, वीडियोज देखते हैं। तो हमारे दिन भर तकरीबन अगर देखें, इफ यू कैलकुलेट, मोर देन 4 to 5 आवर्स ऑफ आर टाइम गोज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 12-12, 14-14 घंटे हमारा टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आज की डेट में आप देखें कि एक स्टूडेंट अपना academy.com से फुलफिल कर रहा है, स्पेशली पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर अगर आप देख लीजिए, तो चाहे वो नर्सरी का बच्चा है, चाहे वो class 1 का है या class 12 का है, उन सब के एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया है। पेरेंट्स अपने बच्चों को जिस मोबाइल फोन से दूर रखते थे स्टडीज के दौरान, आज पेरेंट्स को मोबाइल फोन देना पड़ रहा है बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि सारी की सारी चीजें ऑनलाइन हो रहा है, उनको इंटरनेट फैसिलिटी भी देना पड़ रहा है। और बच्चे भी जैसे पहले जब भी इंटरनेट पे जाते थे तो वो सिर्फ वीडियोस देखते थे या स्पोर्ट गेम्स खेलते थे, अब वैसा नहीं है, वो भी सीरियस हो गए हैं, तो उनका कंटेंट कंजम्पशन भी बहुत ही मैच्योर हो गया है, वो अपने कोर्स से रिलेटेड कंटेंट देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, और फिर
होमवर्क भी और क्लास वर्क भी सारा का सारा ऑनलाइन करते हैं. सो वर्ल्ड हैज चेंज्ड और इसने इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है कि आपको अपने प्रोफाइल के बारे में, आपको अपने जॉब के बारे में, आपको अपने बिजनेस के बारे में रीथिंक करना ही पड़ेगा कि हम अब बिजनेस कैसे करें. अब तक जो करते थे वो एक पास्ट है, लेकिन फ्यूचर में अगर हमें सक्सीड करना है तो डिजिटल मीडिया को, डिजिटल मार्केटिंग को हमारे बिजनेस का और हमारे प्रोफाइल का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा. अगर हम बनाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अगर हम नहीं बनाएंगे तो हम लोगों से पीछे रह जाएंगे. राइट, सो इफ यू वॉन्ट टू चूज एक्साइटिंग कैरियर रादर देन ए ट्रेडिशनल जॉब, देन इंटरनेट डिजिटल के ऊपर और डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर ही आप कुछ बड़ा और नया कर सकते हैं. तो डिजिटल मार्केटिंग कहते किसको है, अब एक डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कहते किसको है. ठीक है, आप सबका अपना अपना आंसर हो सकता है. तो अगर आप में से कोई इसका आंसर करना चाहे तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, वो अपने आप को, अपने माइक को ऑन कर सकते हैं और आंसर कर सकते हैं. मेरा ये सवाल है आपसे कि डिजिटल मार्केटिंग कहते किसको है, आप अपने लैंग्वेज में बताएं. यहाँ डेफिनेशन पढ़ के ना देखें, आप अपने लैंग्वेज में बता सकते हैं अगर आप में से कोई बताना चाहे तो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे. एनीवन? ओके, नो प्रॉब्लम. डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं कि हर वो चीज जिसके जरिए से एक यूजर इंटरनेट यूजर अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे यूजर तक डिजिटल प्लेटफॉर्म से पहुंचे. वो मोबाइल हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, किसी भी मींस से. तो आप अगर डेफिनेशन को देखें, डिजिटल मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग दैट मेक्स यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर सच एज पर्सनल कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, सेल फोन, टैबलेट, गेम कंसोल टू इंगेज स्टेकहोल्डर्स. स्टेकहोल्डर्स किसको कहते हैं, वो सारे लोग जो कि उस पर्टिकुलर बिजनेस से कनेक्टेड हैं, चाहे वो कस्टमर हो सकते हैं, चाहे वो सेलर हो सकते हैं, या फिर उसके कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं. तो जब एक दूसरे से कनेक्शन बनाने का कोई भी तरीका होता है, उस पूरे प्रोसेस को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं. अब आप यहां पे देखें कि मैंने यहां पे ये बताया है कि कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मैं यहां पे ये कर रहा हूं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के. तो अगर आप यहां पे देखें तो ओवरऑल हम किन किन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि हम वेबसाइट के बारे में डिस्कस करेंगे. और उसके बाद गूगल के अंदर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पेज होता है, गूगल माई बिजनेस एक ऑप्शन गूगल ने दे रखा है कि आप अपने गूगल मैप के जरिए से या गूगल माई बिजनेस के जरिए से आप अपने बिजनेस को वहां पे लिस्ट करें. जब लोग सर्च करते हैं, मोबाइल पे सर्च करते हैं, लोकल सर्च करते हैं, तो आपका बिजनेस वहां पे दिख के आता है. उसी तरह से दूसरा ऑप्शन आता है कि आप कोई भी कीवर्ड जब गूगल में सर्च कर रहे होते हैं तो एक वेबसाइट ऊपर आती है जिसके कंटेंट को आप कंज्यूम करते हैं. तो वो वेबसाइट कैसे ऊपर आए, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं. रफ लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में, आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में, गूगल कीवर्ड रैंकिंग आप बोल सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है गूगल पेड एड. गूगल में फ्री लिस्टिंग भी होता है और पेड लिस्टिंग भी होता है, तो आपको गूगल एड के बारे में भी जानना है. तीसरी चीज है YouTube वीडियो एड्स के बारे में भी आपको जानना है. YouTube वीडियो एड्स YouTube के ऊपर देखते हैं, आप जब भी YouTube पे जाते हैं और वहां पे आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो आता है कि स्किप दिस एड और ये 5 सेकंड चलता है, 10 सेकंड चलता है और उसके बाद आप एड्स को स्किप करते हैं. तो ये जो स्किपेबल और नॉन स्किपेबल दो तरह के एड्स होते हैं और इसके जरिए से आप अपने यूजर्स तक पहुंच सकते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां आपको एक क्रिएटिव पर्सन बना के मार्केट में लेके आता है कि आप अच्छा वीडियो बना के लोगों तक पहुंच सकते हो. और आपके पास टाइम कितना रहता है, 5 से 8 सेकंड, उसी बीच में आपको कम्युनिकेट करना है. तो आपके पास टाइम भी कम है और आपके पास यूसेज भी कम है. ठीक है, तो आपके पास टाइम भी कम है और आपके पास यूसेज भी कम है, तो आप जो है YouTube के ऊपर वीडियोस बना के आप एडवर्टाइज कर सकते हैं. और वहां पे भी दो तरह के एड्स आते हैं, एक टेक्स्ट एड आता है और एक वीडियो एड आता है. ठीक है, उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो सोशल मीडिया के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं. सोशल मीडिया में फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, टिकटॉक है, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं. तो ये सारी चीजों पे आप कैसे एड क्रिएट करें, एड डजंट मींस
कि पेड एड, एड मींस समथिंग दैट यू आर कम्युनिकेटिंग टू समवन, वो चीज जो कि यूज कर रहे हैं आप दूसरों तक कम्युनिकेट करने के लिए, बताने के लिए कि आप करते क्या हैं। आप एक ट्यूटर हो सकते हैं, आप मैथमेटिक्स के ट्यूशन पढ़ाने वाले हो सकते हैं, हिंदी का ट्यूशन पढ़ाने वाले हो सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के ट्यूशन पढ़ाने वाले हो सकते हैं, या टीचर हो सकते हैं, या फिर आप कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, वॉट एवर यू आर, यू कुड बी लॉयर, यू कुड बी डॉक्टर, जो भी है आप किस तरह से बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से बिजनेस को अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मार्केट में लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि हम लोग इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे अक्रॉस दिस कोर्स। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम डिजिटल क्यों जाते हैं, कोई एक बिजनेस है वो डिजिटल क्यों जाता है, व्हाई दे वांट टू गो डिजिटल, इट्स एन ऑनलाइन पावरफुल टूल, किस लिए है, फॉर बिल्डिंग योर ब्रांड, आपके ब्रांड को बनाने के लिए है, आप अपने कस्टमर से कनेक्ट हो सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन तक आप पहुंच सकते हैं, उन तक आप फेसबुक के जरिए से पहुंच सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए से पहुंच सकते हैं, ईमेल के जरिए से पहुंच सकते हैं, या फिर वो आपको गूगल माई बिजनेस पे आइडेंटिफाई करके आप तक पहुंच सकते हैं। तीसरी चीज है एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, इट हेल्प्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म हेल्प्स यू टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स, आपके नए पोटेंशियल बायर्स आपको मिलते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और ये 24/7 है, यानी कोई स्टॉपेज नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं तो क्या होता है, मॉर्निंग में आता है, शाम में खत्म हो जाता है, उसके बाद वो न्यूज़पेपर कहीं और चला जाता है, वेयर एज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 24/7 अवेलेबल रहता है और यूजर्स उसके ऊपर देखते हैं और उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। अपडेट इन्फॉर्मेशन क्विकली, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना है या अपडेट करना है, बहुत ही आसान है, और इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, आप अपने व्हाट्सएप लिंक को उसके साथ लिंक कर सकते हैं, वेबसाइट को आप फेसबुक लिंक को लिंक कर सकते हैं, आप दीगर मैसेंजर्स को लिंक कर सकते हैं, चैट बॉट्स को लिंक कर सकते हैं, सो दैट अगर आपका विजिटर, अगर आपके पास कोई कस्टमर आपका आ गया है आपकी वेबसाइट पे या आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो जैसे ही वो आता है उस तक कोई मैसेज जाता है और आप उसको इंगेज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें मुमकिन है आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अब वेब, जिसको हम सब जानते हैं, वेबसाइट कहते हैं या डिजिटल कह लीजिए, ये क्या करेगा, अगर हम टिपिकली थोड़े से, यानी 8-10 चीजें नहीं, सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें, कंज्यूमर्स टू फाइंड यू, इट हेल्प्स कंज्यूमर्स टू फाइंड यू, ये आपके बिजनेस, आपके कंज्यूमर्स को मदद करता है कि आपको आप तक पहुंचने में। दूसरा ये है कि वो डायरेक्टली आप तक पहुंचाता है। तीसरा, इट सपोर्ट्स यू, आपको सपोर्ट करता है फॉर बिजनेस, बिजनेस के अंदर आपको सपोर्ट करता है और आपको एक नया चैनल देता है कि आप न सिर्फ ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर बट ऑनलाइन मॉडल के अंदर आप बिजनेस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल ऑफ अस वांट टू बी फैशनेबल, हम सब के सब फैशनेबल होना चाहते हैं और ट्रेंडी होना चाहते हैं। तो मैं बता दूं, ये वो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी लिमिट को अनलिमिटेड कर देता है और आपके रीच को अनलिमिटेड कर देता है, और आप 24/7 जब आप उठें, जब आपको टाइम हो, तब आप इसके ऊपर काम करें और आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं 24/7। और इट्स नॉट ओनली लोकल, इट्स, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने एक दुकान खोल रखा है एक लोकेशन के ऊपर तो आपके कस्टमर सिर्फ वहीं पे मिलेंगे, नहीं, आप कहीं पे भी रहें, दुनिया के किसी कोने में रहें, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को फार एंड तक आप पहुंचा सकते हैं, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। अब ये वेबसाइट किस तरह के लोगों को चाहिए, सबसे पहली चीज है वेबसाइट, आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सबके सब जानते होंगे वेबसाइट किसको कहते हैं। जैसे आप लोग पीयरलेस ज्वाइन किए हो तो पीयरलेस पीएसए गुरुकुल एक वेबसाइट हो गई, गूगल वेबसाइट नहीं कहा जाएगा, वो सर्च इंजन है। उसी तरह से आप देख लीजिए कोई दूसरी साइट है, तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स क्या है, एनीथिंग जो कि आपको .com में आ जाता है या .in के अंदर आ जाता है, जो ले मैन लैंग्वेज के अंदर www.xyz.com करके जो भी आप चीज खोलते हैं वो समझ लीजिए वो वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट किस किस को जरूरत पड़ सकती है, मैं बहुत ही बेसिक चीज लेके चल रहा हूँ, बार्बर भी आज की डेट में ये COVID-19 के सिनेरियो के अंदर उन्होंने भी एक अपना स्पेसिफिक सर्विसेज शुरू किया। यू विल बी सरप्राइज टू नो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपने आप को प्रमोट किया कि हम कैसे आपके घर के अंदर PPE किट पहन के पूरी सेफ्टी के साथ हम आएंगे और आपका
आपका आपका हेयर कट करेंगे और उसके बाद सब कुछ करके हम जाएंगे एंड यू विल बी कम्प्लीटली सेफ। तो उन्होंने अपने 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 सर्विस को कस्टमाइज किया सिचुएशन के हिसाब से और उन्होंने अपना फीस भी बढ़ाया और उनको फायदा भी पहुंचा। उसी तरह से प्लम्बर है, आप देख लीजिए कि कभी भी आपके घर में प्लम्बिंग की प्रॉब्लम होती है तो जो रेगुलर प्लम्बर होता है वो कहीं और बिजी होता है, तो आपको क्या करना है? एक प्लम्बर है वो भी अपनी वेबसाइट बना के प्रमोट कर सकता है, एक रेस्टोरेंट ऑनर है वो भी प्रमोट कर सकता है, ज्वेलरी मेकर है या ज्वेलरी शॉप है छोटा सा है, या मसाज थेरेपिस्ट है या फिर फिजियोथेरेपिस्ट है या कोई बेकरी वाला है या कोई मेडिकल प्रोफेशनल है, या आज की डेट में देखें कि ज्यादातर डॉक्टर COVID-19 सिनेरियो के अंदर इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर क्या कर रहे हैं, वो टेलीमेडिसिन के अंदर काम कर रहे हैं कि भाई आप उनसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें एंड देन दे विल गिव यू कंसल्टेशन फॉर दैट दे चार्ज। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं है, कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वो कोई भी एक ऐसा प्रोफेशन है या आपकी हॉबी है, आप उसके लिए वेबसाइट और डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं एंड देन यू कैन मेक इट वायरल। व्हाट डू मीन बाय वायरल? जैसे वायरस मल्टीप्लाई करके बहुत फास्ट स्पीड में स्प्रेड होता है, उसी तरह से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को वायरल कर सकते हैं। सो ये पॉसिबिलिटी सिर्फ आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। अब अगर हम देखें कि डिजिटल हब कहते किसको हैं, तो जैसे मैंने एक स्लाइड पहले भी बताया था, इसके अंदर सोशल मीडिया भी आता है, इसके अंदर ई कॉमर्स भी आएगा, ईमेल भी आएगा, ऑनलाइन पेड सर्च पेड एड आएगा, सर्च एड्स आएंगे, तो ये सारी चीजें हमारा डिजिटल हब कहलाता है। उससे और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये क्लटरी, ये कंजस्टेड एक आपको स्क्रीन है और हर एक चीज के अंदर अगर मैं यहाँ पे सर्च इंजन मार्केटिंग की बात कर लूं या फिर मैं सिर्फ इसकी बात कर लूं, अगर मैं सर्च इंजन मार्केटिंग की बात कर लूं या फिर कंटेंट की बात करूं, सिर्फ कंटेंट लिखना किसी को आता हो या फिर वो ऑनलाइन डिस्प्ले ऐड करना चाह रहा है या वो ऑनलाइन रीटारगेट करना चाह रहा है, जिन लोगों तक हमारा ऐड पहुंच चुका है उन लोगों को फिर से दिखे, तो ये सारी चीजें अगर कोई करना चाहता है तो ये सारी चीजें पॉसिबल है और ये सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। तो वही चीज है कि आपको सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, ये कोई लिमिट ही नहीं है आपके लिए, राइट? तो आपके पास कोई लिमिट ही नहीं है कि आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, ठीक है इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, तो आप देखें डिजिटल मार्केटिंग ही फ्यूचर, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज फ्यूचर। अगर हम फ्यूचर की बात करें, जैसे हमारे पार्टिसिपेंट्स में से स्टूडेंट्स में से एक ने ये कहा, पार्टिसिपेंट्स में से एक ने कहा कि फ्यूचर, अब का फ्यूचर ही डिजिटल है, तो मैं लर्नना चाहता हूँ, लर्न करना था, ये नहीं कि पेंडेमिक की वजह से हम लर्न करना चाहते हैं, बल्कि पूरा का पूरा बिजनेस ओरिएंटेशन ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव कर रहा है, तो इसलिए हम करना चाहते हैं। तो वर्ल्ड इज क्विकली बिलोंगिंग बिकमिंग डिजिटल, पूरी दुनिया, ये सिर्फ कंट्री की बात नहीं है, पूरी दुनिया डिजिटल होती चली जा रही है, डिजिटलाइज होता चला जा रहा है, पीपल आर कंज्यूमिंग डिजिटल कंटेंट ऑन अ डेली बेसिस, लोग डिजिटली कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। आप देखें न्यूज़पेपर्स भी, लोग जो प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर आता था, मैगजीन्स आती थी, उनकी जगह पे लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ई पेपर्स पढ़ रहे हैं या ई मैगजीन पढ़ रहे हैं, वो टीवी के ऊपर कंटेंट, टीवी के ऊपर सीरियल्स और मूवीज ना देख के वो यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, वो प्राइम अमेजॉन प्राइम पे देखते हैं, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये फ्यूचर मार्केटिंग के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। ये एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू इंक्रीज सेल्स। ये न्यू जनरेशन हु हैव ग्रोन अप विद इंटरनेट एंड मोबाइल फोन्स आर लुकिंग इन डिजिटल वर्ल्ड। जो नया जनरेशन है वो कहाँ है? वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो आप अगर एज ए बिजनेस ऑनर अगर आप चाहते हैं कि आप फ्लॉरिश करें, आप ग्रो करें, तो आपको इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टारगेट करना पड़ेगा। यू कैन सेल योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, यू कैन टॉक डायरेक्टली टू
योर करंट और प्रीवियस कस्टमर्स. सोशल मीडिया आपके ब्रांड को प्रमोट करता है, सोशल मीडिया आपके ब्रांड के अंदर फीडबैक और पोटेंशियली जो है, अगर कोई आपके प्रोडक्ट से अनसेटिस्फाइड है तो वो ओपनली आपके प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव बोलता है, एंड इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी. इससे आपको एक बेनिफिट होता है कि आपको एक मौका मिलता है कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. ये सारी चीजें होती हैं और ये आपको इंटरनेशनल प्रॉस्पेक्ट्स तक लेके जाता है. आप भले एक वेब डिजाइनिंग कंपनी हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो, या आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर हो, या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हो, या सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ये क्या करता है, ये आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके चैनल को ओपन अप कर देता है. और आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपली, अगर आप, मेरे ख्याल से हम में से सबके सब जो है सोशल मीडिया को यूज करते हैं, सबके सब फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते होंगे, व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो अगर आप ये प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं. अब देखें कैरेक्टर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसके इसके प्रॉपर्टीज या इसके कैरेक्टर्स क्या हैं. एक तो ये है कि पैसिव एडवर्टाइजिंग टू एक्टिव एडवर्टाइजिंग, ये बहुत ही इंगेजिंग एडवर्टाइजिंग होता है कि अगर आपके बारे में किसी ने ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके एड को देखा, तो वहां पे जो जिसको इंटरेस्ट शो हो रहा है वो वहीं पे या तो कमेंट डालेगा या आपको मैसेंजर पे डालेगा या अपना फॉर्म फिलअप करता है या फिर अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स छोड़ता है और कहता है प्लीज कॉन्टैक्ट मी बैक, राइट. तो ये कोई पैसा, अगर आप न्यूज़पेपर के अंदर एड दे रहे हैं तो उसमें क्या ऑप्शन आता है, आप देखेंगे कि फॉर फर्दर डिटेल्स कॉल एट सो एंड सो नंबर, आप फोन लेंगे, उठाएंगे, फोन करेंगे, अगर उस वक्त उसका फोन बिजी आ रहा है तो आप फिर दो बार करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे. वेयर एज यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है, यू लीव योर फोन नंबर एंड दे विल कॉल यू बैक, इट इज 24/7. ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑफिस टाइम में है तभी आप देख सकते हैं, जब आप अपना सारा काम खत्म कर लें तो भी आप सुकून से बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं, राइट. इट टारगेट ऑडियंस, अगर आपको ये लगता है कि आप एक पर्टिकुलर कैलकटा के अंदर आप एक पर्टिकुलर एरिया है धर्मतल्ला, धर्मतल्ला के अंदर ही आप सिर्फ अपने सारे कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. वेयर एज न्यूज़पेपर के अंदर आप कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि आपका आपका जो एड है वो सिर्फ धर्मतल्ला रीजन में ही जाए, नहीं हो सकता, राइट. उसी तरह से अलीपुर का एरिया है या फिर आपके जो है और भी आपके और भी जो एरियाज हैं, हावड़ा का एरिया है, तो आप अगर ये चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये पर्टिकुलर पिन नंबर के अंदर ही मेरा एड डिस्प्ले हो, आप उसको टारगेट कर सकते हैं. अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ मेल ही आपके एड को देखे तो आप वो भी कर सकते हैं. अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ फीमेल ही आपके एड को देखे तो वो भी कर सकते हैं. आप ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप 18 से लेकर 22 तक के ही लोग आपके एड को देखें या फिर सीनियर सिटीजन ही आपके एड को देखें, आप बहुत ही अच्छे ढंग से टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं. और इंस्टेंट एक्सेस, इंस्टेंट एक्शंस होते हैं और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कैंपेन को मॉडिफाई कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि आपका कैंपेन वर्कआउट नहीं हो रहा है, देन एंड देयर आप वहां पे चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल में रख सकते हैं. और आपके पास वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शन है, आप टेक्स्ट के जरिए से एड दे सकते हैं, इमेज के जरिए से दे सकते हैं, वीडियो हो, सोशल हो, वायरल हो, पीडीएफ है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप चाहें, जिस भी मोड में चाहें, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने एड्स दे सकते हैं, राइट. उसी तरह से आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप इन द मिड ऑफ द कैंपेन भी आप अपने कैंपेन को पॉज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, रोक सकते हैं या फिर चेंजेस कर सकते हैं. इतनी अपॉर्चुनिटीज आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी. अभी डिजिटल डिजिटल के ऊपर हो क्या रहा है उसको थोड़ा सा समझें, ठीक है. बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म सिर्फ ईमेल को लेके यूज करते हैं, कुछ लोग न्यूज के लिए या ब्लॉग के लिए यूज करते हैं, कुछ गूगल के अंदर जब आप कोई कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं उसके लिए करते हैं, और कुछ लोग इवेंट्स के लिए यूज करते हैं. तो ये वो मिक्स है, यानी ये वो चीजें हैं जिसको जो लोग जाते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो इन चीजों के बारे में वो पढ़ते हैं या इन चीजों से रिलेटेड लोग करते हैं. और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टीप ग्रोथ हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो इसलिए ट्रेंड भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है और रिवाज भी है जिसको कहते हैं, यानी दिस इज द अपॉर्चुनिटी. मौका भी है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, दस्तूर इन द सेंस दिस इज ट्रेंड, लोग कर रहे हैं और यही करना है हम लोगों को. तो इसलिए हमें डिजिटल के बारे में ये देखना है कि हम अपने हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसके साथ डिजिटल को कैसे अटैच करें जिसके जरिए से हमारा आरओआई
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा अच्छा हो, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा अच्छा होने के लिए क्या करना होगा, हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केट करना होगा अपने आप को। तो इस तरह से हमको काम करना पड़ेगा। कर लो दुनिया मुट्ठी में रिलायंस का एक बहुत पुराना एड था, जब रिलायंस ने मोबाइल फोन लॉन्च किया था, बहुत पहले की बात है, ठीक है। और आज की डेट में जो हमारा स्मार्टफोन है, जो कि 6 या 7 इंच का स्मार्टफोन होता है, हमारी पूरी दुनिया बस उसके अंदर है, उसके अंदर सब कुछ है, हमारा ईमेल भी है, हमारा हमारा व्हाट्सएप भी है, हमारा फेसबुक भी है, हमारा कैलकुलेटर भी है, हमारा ब्राउजर भी है, सब कुछ उसी के ऊपर है। तो ले दे के क्या हुआ, हमारी दुनिया धीरे 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 श्रिंक होके मोबाइल के स्पेस की स्क्रीन के बराबर हो गया, राइट। तो हमें अपने ऑडियंस को जो जहां है उसको वहां टारगेट करना है। इसलिए हम सोशल मीडिया को नहीं छोड़ सकते, लोकल बिजनेस को नहीं छोड़ सकते, मोबाइल को नहीं छोड़ सकते, और ये चीजें हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगी। एज ऑफ नाउ डिजिटल मीडिया एंड ई मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग इंडस्ट्रीज ऑन द प्लैनेट। पे स्केल और करियर अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें, चाहे वो पे स्केल है या करियर अपॉर्चुनिटीज है या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, सबका सब इनक्रेडिबल है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ऑन करना क्या है, आपको सिर्फ अपना फ्यूचर इसके अंदर तलाश करना है कि आपके लिए इसके अंदर है क्या। जब आप वो चीज समझ जाते हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये एक रिसर्च डेटा है, नियरली 60% ऑफ ए कंज्यूमर्स परचेजिंग डिसीजन इज मेड थ्रू ऑनलाइन रिसर्च। कुछ भी खरीदने से पहले वो ऑनलाइन जाते हैं, वो सर्च करते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसके बाद ही जाके वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। बिफोर कोविड, ये पेंडेमिक सिचुएशन से पहले 90% ऑफ द शॉपर्स, 90% जो परचेजर होते थे, जो शॉपर होते थे, वो ऑनलाइन रिसर्च करते थे, लेकिन वो मार्केट में जाके वो खरीदते थे। लेकिन अभी जो ये सिचुएशन आ गया तो होता क्या है, वो सर्च भी ऑनलाइन कर रहे हैं और परचेज भी ऑनलाइन कर रहे हैं। चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो किराना शॉप है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कोई और है, उनके उनकी चीजों के बारे में वो सर्च भी ऑनलाइन करते हैं और प्रोडक्ट्स परचेज भी ऑनलाइन करते हैं, वो पेमेंट भी ऑनलाइन करते हैं, और ये कहते हैं कि प्रोडक्ट आए और हमारे डोर स्टेप के ऊपर आप डिलीवर करके चले जाओ। वहां पे अब तो बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है, अपने घर के बाहर एक खूंटी डाल रखा है, कील ठोक रखा है, एक ऑप्शन डाल रखा है कि अगर आपका बिग बास्केट से आ रहा है, अगर आपका कहीं और से आ रहा है, कोई कोरियर आ रहा है, तो वो वहां पे लटका के चले जाते हैं, ठीक है, एंड देन यू पिक इट अप, सो दैट कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ही नहीं है। तो दिस इज वॉट इट हैज चेंज, बिजनेस मॉडल पूरी तरह से चेंज हो गया है। आपको ये देखना है कि आप इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहां फिट बैठते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज करियर विद डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं ये बता रहा हूं कि आप डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं या आप सीख रहे हैं, तो आप आपके प्रोफाइल क्या क्या होंगे और किस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। आपके अंदर आपको एनालिटिक्स, ये पूरे के पूरे आप सिर्फ एनालिटिक्स के एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप मोबाइल मार्केटिंग के सिर्फ एक्सपर्ट हो सकते हैं, एक ही चीज है ईमेल मार्केटिंग, आप इसके एक्सपर्ट हो सकते हैं। ये अपने आप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि एक अगर जैसे Amazon और Flipkart टाइप की कंपनी है या और भी कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की कंपनी है, वह एक या दो ईमेल मार्केटर नहीं होते, वहां कई सारे होते हैं जो कि बहुत बड़ा टूल डेवलप किए हुए हैं और उसके जरिए से ईमेल मार्केटिंग करते हैं। तो अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही चीज के ऊपर एक्सपर्टाइज करना चाहते हैं तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ कैलकटा के लोग राइटिंग के अंदर बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, और मैं बहुत सारे कंटेंट राइटर्स को जानता हूं जो कि मेरे नेटवर्क में भी हैं, जिनसे जिन्होंने हमारे लिए कंटेंट भी लिखा है, वो कैलकटा से हैं, वो वेस्ट बंगाल से हैं। तो आपके आपकी अगर राइटिंग स्किल अच्छी है, यानी इंग्लिश अच्छी है, या फिर रीजनल लैंग्वेज, इवन बंगाली आपकी अच्छी है, या कोई और लोकल लैंग्वेज आपकी अच्छी है, तो आप अपना करियर कंटेंट मार्केटिंग के अंदर भी कर सकते हैं। अब आप देखिए कि बड़े बड़े पोर्टल्स जो Amazon और Flipkart टाइप के पोर्टल्स हैं, वो सब भी हिंदी में आने लगे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हिंदी में होने लगी हैं, दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस में होने लगे हैं। इट्स नॉट ओनली हिंदी, हिंदी मींस एनी अदर अल्टरनेट लैंग्वेज देन इंग्लिश, वो हो रहा है। उसी तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो आप गूगल कीवर्ड रैंकिंग के ऊपर एक्सपर्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया के अंदर हो सकते हैं, आप क्रिएटिव बैनर्स बना सकते हैं या वीडियोज बनाने के एक्सपर्ट हो सकते हैं,
और इन चीजों को आप अपना करियर बना सकते हैं। ये हर एक चीज एक करियर अपॉर्चुनिटी है। डिजिटल मार्केटर एक जिसको कहते हैं स्किल, किस चीज की जरूरत होती है एक बहुत ही अच्छे डिजिटल मार्केटर को, किन किन स्किल्स की जरूरत होती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज ये है कि उसके अंदर सेल्फ लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी उसके पास जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो मैंने अगर आपको एक कोई वर्ड या सेंटेंस बताया तो अब आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि लेट मी गो टू गूगल, मैं गूगल पे जाता हूँ या सोशल प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ और सर्च करता हूँ इसका डिटेलिंग क्या है। अगर नहीं आ रहा है कोई चीज करने के लिए तो आप क्या करते हैं, आप एक प्रोडक्ट आपने परचेज किया और उसको इंस्टॉल करना है, नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और जाके सर्च करते हैं। तो आपके अंदर खुद सेल्फ लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ लर्निंग कैपेसिटी के साथ अगर आप चल रहे हैं तो आपके लिए ये राइट टैलेंट है। आप एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी आपको नई चीज हासिल करने के लिए अंदर से एक विल पावर होनी चाहिए। आप डेटा कलेक्ट करने वाले हों और ये सारी चीजें, यानी डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको नॉलेज के अंदर ट्रांसफर करने वाले हों, आपको क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए, कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी, यू हैव टू बी ऑन टेक्नोलॉजी, जो भी नई चीज आए उसको सीखना है, और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, आपके अंदर एक आईक्यू होना चाहिए कि हाँ भाई है क्या ये, ठीक है, और थर्स्ट ऑफ नॉलेज और ज्यादा, और नेक्स्ट स्किल क्या होना, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी ड्राइव। टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कैसे आप बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अगर ये चीज हो गया, और सबसे बड़ी चीज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस एक्यूमन होना चाहिए, यानी आपका बिजनेस सेंस होना चाहिए कि एक बिजनेस ऑपरेट कैसे होता है। ये कोई टेक्निकल काम नहीं है, ये आपको बिजनेस सेंस, अगर आपके पास बिजनेस सेंस है देन यू विल बी द सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर। सो व्हाट यू हैव टू डू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यू हैव टू लर्न बिजनेस एक्यूमन, आपको बिजनेस सेंस सीखना पड़ेगा कि इस सिनेरियो के अंदर उसका कस्टमर कैसा रिएक्ट करेगा या वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। जब आप ये समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका काम बन गया। अब देखते हैं मार्केट में जॉब्स कैसे हैं, इतना तो सब कुछ मैं बोल रहा हूं लेकिन मार्केट में जॉब्स हैं या नहीं है तो देखा जाए। जो डिजिटल एकेडमी है, जो L&D डिविजन है, ठीक है, हम लोग बिजनेसेस को छोटा हो या बड़ा हो उसको हम हेल्प करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि आप लोकली लर्न तो करें लेकिन आप अपने 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 बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे इसको एक्सपेंड करें। तो ये एक छोटा सा थर्स्ट लाइन है, बट ओवरऑल अगर देखें तो हम डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के अंदर हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजों को मिला के डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, पेड सर्च है, गूगल एनालिटिक्स है, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हैं। और आपकी अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ हैं, यू कैन बी कंटेंट राइटर, यू कैन बी कॉपी राइटर, क्रिएटिव हो सकते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर हो सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स के अंदर हो सकता है, ईमेल मार्केटिंग हो सकता है, मल्टी चैनल हो सकता है, सर्च इंजन मार्केटिंग हो सकता है, आप स्ट्रेटजी प्लानर्स हो सकते हैं कि एक कंपनी को कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्ट करना चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, यू कैन बिकम ए स्ट्रेटजी प्लानर एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। If you are very technical, you can go for search engine optimization. If you are less technical, you can go for other things. अगर आपको डेटा के अंदर बहुत मजा आ रहा है तो Google Analytics और Analytics के अंदर, big data के अंदर आप जा सकते हैं जहां बहुत ही बड़े बड़े डेटा मैनेजमेंट होता है कि भाई कौन सा यूजर कहां से आ रहा है, किस प्लेटफॉर्म से आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है, ये सारी चीजें आपको बताती हैं और आप उसके बारे में अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपका स्किल क्या है, आप कहां अपने आप को फिट कर रहे हैं और आपका पैशन क्या है, ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उसी के अंदर आप अपने आप को महारत अपनी महारत हासिल करें। तो अब आपको करना क्या है, एक बारी आपने समझ लिया कि ये सब कुछ हो गया तो आपको अपने प्रेजेंस, चाहे वो आपका पर्सनल प्रेजेंस है, अगर इवन इफ आपको नौकरी चाहिए, इवन इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर करियर, आप अपना जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, आप अपने जो नए जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको प्रमोट करना है अपने आप को। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, जो भी हो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को प्रमोट ही प्रमोट करना है और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सो यू आर लेफ्ट विद ओनली सिंगल चॉइस, दैट इज ऑनलाइन प्रमोशन। आप अपने करियर को डिजिटली नर्चर कर सकते हैं, नॉट ओनली करियर बट ऑल्सो टू योर बिजनेस।
आप क्या कर सकते हैं, आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी अगर आप डिजिटल मार्केटर बन गए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज SEO कहते हैं, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, SEM कहते हैं सर्च इंजिन मार्केटिंग। ये धीरे धीरे आप इन चीजों को समझेंगे, बट आप इन टर्मिनोलॉजीज को चाहें तो अपने नोटबुक के अंदर या पेन एंड पेपर के ऊपर नोट कर लें। सोशल नेटवर्किंग है, कंटेंट स्ट्रेटजी है, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ आप एसोसिएट हो सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग लर्न करते हैं। सो बी मोर एम्प्लॉयबल, बी इन डिमांड। आपको करना क्या है, ये एक नया फेदर है, एक नया पंख है जो कि आपके आपके साथ ऐड हो जाता है, विच विल मेक यू फ्लाई एंड यू विल बी देयर इन द डिमांड। अब ये समझना है कि क्या ये वर्थ है। यस, इट इज फुल ऑफ वर्थ। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बस आपको करना ये है कि बस आपको बस लग जाना है इसके पीछे। अब पीछे मुड़ के देखना नहीं है आपको, बस आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लग जाना है और अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। डिजिटल मार्केटिंग बिजनेसेस के लिए कैसे हेल्प करता है हम सब देख चुके हैं, बट फिर भी मैं समराइज करता हूँ कि SEO विल इंप्रूव विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन। सर्च इंजन किसको कहते हैं, मोटे मोटे लैंग्वेजेस के अंदर गूगल को सर्च इंजन मान लो। तो SEO क्या करता है, आपके बिजनेस आपकी वेबसाइट को गूगल के अंदर विजिबल कर देता है कि एक कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल, एक इंटीरियर डिजाइनर है, वो क्या अपना कीवर्ड क्या डालेगा, इंटीरियर डिजाइनर इन कोलकाता, ठीक है, मॉड्यूलर किचन कारपेंटर इन कोलकाता, ठीक है, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर, बेस्ट ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर, हॉस्पिटल इंटीरियर डिजाइनर, जिम इंटीरियर डिजाइनर, जो भी हो सकता है, इकोनॉमिकल, अफोर्डेबल, बेस्ट, टॉप, ये सारे कीवर्ड्स लगा के वो अपने, तो इन कीवर्ड्स से गूगल में आना शुरू हो जाए। तो उसको क्या कहते हैं, आपके बिजनेस आपकी अगर वेबसाइट है तो आपकी वेबसाइट गूगल में आना शुरू हो जाएगी। SMO सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता है, जो ऑलरेडी आपके सर्विसेज को ले चुका है, आप उनको अपने पेज को फॉलो करने के लिए बोलें, आप कहें कि वो उनको आपके पेज को फॉलो करें और आप कोई भी नया ऑफर करें, अगर उसको कभी भी कोई जरूरत पड़े तो वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। SEM gets target visitor within hours. सर्च इंजन मार्केटिंग क्या करता है, यानी गूगल के अंदर जब पेड ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, आपको घंटों के अंदर, इट्स नॉट मंथ्स, इट्स नॉट वीक, इन आवर्स, इन फ्यू आवर्स यू विल गेट टारगेटेड बिजनेस, तो वो हो जाता है। और वेब एनालिटिक्स आइडेंटिफाइज, और क्या होता है, कोई भी बिजनेसमैन या स्टूडेंट जब कोर्स कंप्लीट करता है तो वो देखता है कि एग्जाम के अंदर वो पास किया तो उसके नंबर कितने आए। उसी तरह से एक डिजिटल मार्केटर के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो एनालाइज करे कि उसके सारे एफर्ट्स के जरिए से आए कितने लोग, कौन कौन सी जगह से आए, वो गूगल से आए, फेसबुक से आए, कहां से आए, उस चीज को एनालाइज करना, उनके बिहेवियर को देखना कि वो किस पेज से आ रहे हैं और किस पेज को जा रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट को वो ज्यादा देख रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट को वो इग्नोर कर रहे हैं। आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो 24/7, पर्सनलाइज मेल भेज सकते हो, और ये सारी चीजें करने के बाद आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा बिजनेस इंक्रीमेंट। और अगर आप बिजनेस के अंदर है तो ये सारी चीजें आप करके बिजनेस बढ़ाएंगे, और अगर आप एज ए एम्प्लॉय किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको फिर उसको बिजनेस ही बढ़ाना है। सो वेदर यू आर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स दिस ओनली। एक कॉन्सेप्ट है जो डिपेंडेंसी है, सोलोमो हम कहते हैं, सोलोमो। हम ये समझें कि कंज्यूमर आपके कहां पे हैं, एक बिजनेस का कंज्यूमर कहां पे है। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मान ले कि एक MI मोबाइल लॉन्च हो रहा है, तो कहां लॉन्च होता है, वो दुकानों पे लोगों को बाद में पता चलता है, पहले तो ऑनलाइन पता चल जाता है। अगर गाड़ी का कोई मॉडल आ रहा है तो नई गाड़ी अगर आ रही है तो उसका टेस्ट ड्राइव लोग वीडियोस पहले यूट्यूब पे देखते हैं, बाद में कहीं और जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको होती हैं, और ये सारी, और आपको ये देखना, आपको ये भी पता चलता है कि कंज्यूमर्स लाइक कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मॉडल को या डिसलाइक कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा डिसलाइक होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव फीडबैक आएगा, तो इसका मतलब आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूव करना है। तो आपके लिए क्या है, जो कहते हैं सोलोमो, SO इज फॉर सोशल, LO इज फॉर लोकल, MO इज फॉर मोबाइल। यानी अगर आप तीन चीज कर लें, ये तीन चीज आपने कर लिया तो आपने मैदान मार ली, ये बात कही जा सकती है। ग्रोथ ट्रेंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आज की डेट में देखें कि जो ग्रोथ ट्रेंड है डिजिटल मार्केटिंग का, वो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि सबके पास डिजिटल, एक कॉमन आदमी के पास भी डिजिटल गैजेट आज की डेट में अवेलेबल है। आप रूरल सेगमेंट में देख लीजिए, वहां भी लोगों के पास स्मार्टफोन अवेलेबल है,
और वो नई नई चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं, नई नई चीजें वो यूज कर रहे हैं, और पूरे इंडिया के अंदर और दुनिया के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। अब तो हमारे गवर्नमेंट ने भी इस चीज को डिक्लेयर किया कि भाई 6000 विलेजेस तक जो है ब्रॉडबैंड जाएगा। होता है नहीं होता, दैट इज ऑल टुगेदर सेपरेट इशू, वी आर नॉट इन दैट, बट थिंग इज लाइक पहले के मुकाबले, पहले के कंपैरिजन में अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी ज्यादा हो गया है, तो इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करने का ऑप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और लोग सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर अभी मोबाइल यूजर सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो हमें यह करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें, ठीक है। और डिजिटली इक्विप्ड प्रोफेशनल्स, पहले के मुकाबले अब प्रोफेशनल्स और बिजनेसेस आर डिजिटली इक्विप्ड, उनके पास लैपटॉप भी हो सकता है, उनके पास अच्छे फोन हो सकते हैं, अगर उनको फोटोग्राफ लेने की बात की जाए तो हाई डेफिनेशन HD कैमराज उनके मोबाइल के ऊपर अवेलेबल है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, एंड दिस इज वॉट इज गोइंग टू क्रिएट चेंज इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आप अपने बिजनेस को, ट्रेडिशनल्स को डिजिटल ट्रेंड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एंड दैट इज वेयर ऑल ऑफ अस हैव टू वर्क टुवर्ड्स। ये कुछ महीने पहले यानी ये ड्यूरिंग लॉकडाउन या उसी उससे थोड़ा पहले जब मैं एक डेटा सर्च कर रहा था, तो ये थोड़ा सा डेटा है आपके सामने कि वेबसाइट मेंटेनेंस इंडिया के अंदर इतने सारे जॉब्स ओपनिंग मैंने खुद सर्च किए हैं, जो कि इतने सारे जॉब्स उस टाइम पर अवेलेबल थे, ये naukri.com, shine.com और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जॉब के, वहां पे जाके जब मैंने सर्च किया तो इतने सारे जॉब्स मिले। उसी तरह से ई कॉमर्स मार्केटिंग से रिलेटेड है, ई कॉमर्स में सेल करने वाले, ऑनलाइन सेल करने वाले हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। जब नौकरी या shine.com या timesjob.com उन पे जाके जब सर्च कर रहे थे तो ये सारी, इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिल रहे थे, और ये आने वाले टाइम में जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ये नंबर्स और बढ़ेंगे, बिकॉज पीपल डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अब मैं ये बता रहा हूं कि आखिर इसके करने के बाद आपने कर लिया और आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कितनी, आपकी सैलरी क्या हो सकती है। तो एक फ्रेशर अगर उसके पास एक साल का एक्सपीरियंस है तो कम से कम उसको 15,000 से 20,000 रुपए मिलेंगे। उसके ये कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि वो बीटेक है या बीए है या बीकॉम है, बीएससी है। इफ ही इज हैविंग अ नॉलेज, उसको नॉलेज है अगर डिजिटल मार्केटिंग का और एक साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो 15,000 से 20,000 रुपए कहीं आसानी से वो कमा सकता है, ना सिर्फ एज ए एम्प्लॉय बल्कि आप स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स आप अपने इर्द गिर्द, अपने घर के आसपास, अपने मार्केट में से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप उठा सकते हैं और एज ए फ्रीलांसर आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर के पास गया, उसने ये कहा कि भाई मेरे को प्रमोट कर दो, तो आप क्या करेंगे, आप उसके प्रोफाइल को लेके आप प्रमोट कर सकते हैं, एक कारपेंटर को प्रमोट कर सकते हैं, एक बार्बर को प्रमोट कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, बड़ी चीजों का तो कोई लिमिट ही नहीं है। एक फर्नीचर शॉप है, बहुत सारे फर्नीचर हैं, आप उसको मार्केट कीजिए, उसका एक भी प्रोडक्ट बिक गया तो आपके लिए तो बहुत ही वारे नहीं आ रहे हो गए, राइट। उसी तरह से अगर एक डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो जाता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस और बढ़ जाता है, तो वो 2 से 3 लाख रुपए पर एनम, एक साल के अंदर 2 से 3 लाख रुपए वो कमा सकता है, यानी 2 से 3 लाख रुपए उसके सालाना इनकम, सालाना सैलरी होगी, ये मंथली नहीं है, एनुअल है। अगर कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है, थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, तो वो 3 से 6 लाख के बीच में, उसके लिए इंग्लिश, उसके लिए उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, पीपल मैनेजमेंट अच्छा है, और उसको टेक्नोलॉजी के ऊपर भी अच्छा है, अडेप्टेबल भी है, नॉलेज भी वो हासिल करने की कोशिश करता है, तो इस तरह के लोग अगर हैं तो उनको इजीली इतना मिल जाता, ठीक है। और उसी तरह से दूसरे दूसरे प्रोफाइल के अंदर है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी, बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी, बेस्ड ऑन योर स्किल लेवल होता है, लेकिन मार्केट में इस तरह के जॉब्स अवेलेबल है इन सैलरीज के ऊपर। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और अगर आप डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो कोई बात ही नहीं है आपको तो, बट इट हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट जब एक प्रोफाइल के अंदर एग्जीक्यूटिव से लेकर डायरेक्टर लेवल का मार्केट में जॉब होता है, इसका मतलब उसके अंदर बिजनेस ट्रेंड है, इसका मतलब वहां पे मार्केट है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज और निकल के आएंगी, राइट। तो
जो अगर अगर जो है हमको यही इसी के ऊपर काम करना है कि हमको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में सीखना है। अभी तक जो मैं अपने अगर अपने प्रोफाइल की बात करूं तो 2000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स को हमने ट्रेंड किया है, एसएमईज स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस कंपनीज को हमने प्रमोट किया है, ट्रेंड किया है, और 100 से ज्यादा जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हमने ट्रेंड किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे डिजिटल मार्केटिंग को वो अपने अपने फील्ड के अंदर यूज कर सकते हैं। जब इन लोगों के लिए वो यूज की चीज है तो आपके लिए भी यूज की चीज है। जो हमने पहले बैचेस किए हैं उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि जो आपके पास नॉलेज आ रहा है ये पूरा छन के नॉलेज आ रहा है। और ये मेरे ट्रेनिंग रूम का एक पिक्चर है जो कि फिजिकल क्लासरूम जब हम लेते थे तो उस टाइम का है। ये अलग अलग मौके पे अलग अलग इंडस्ट्रीज को जो हमने सपोर्ट किया है उसके लिए ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स रहे हैं। और ये जब हम सर्टिफिकेशन देते हैं राइट, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बहुत ज्यादा अगर अपने आप को मार्केट करें, टारगेट करें और फोकस रखें तो ये जो स्क्रीन है ये आप सबके लिए है राइट। डिजिटल बूस्ट फॉर योर करियर, एक्सप्लोर लर्न फ्लरिश, टाइगर इज वेटिंग, यू गेट योर सेल्फ इक्विप्ड विद डिजिटल स्किल एंड यू विल रॉक। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एंड वी आर एट 9:32. I'm sorry I got late by five minutes, but I'm stopping it. मैं अपने आप को यहाँ पर रोक रहा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो I'm open for this and you can ask me any question. मैं आपको अनम्यूट कर सकते हैं और मुझसे एक एक करके क्वेश्चन पूछ सर। I have a question sir. Snehashish speaking here. Yeah, Snehashish. Sir, I have heard about two job roles related to this profession. Okay. And as you have already also mentioned in your one of your PowerPoint slide, that is digital marketing manager and digital marketing account manager. Correct. So could you please elaborate on the roles of these two job roles? Yeah, yeah. Responsibilities of these two job roles actually. Digital marketing managers क्या होते हैं कि आपको आपको सिर्फ आपके पास project है, जैसे एक company है वहाँ पे digital marketing हो रहा है। For example, एक manufacturing unit है, एक manufacturing company है, वो कोई product बना रहा है, right? और वो for example वो plastic bottle बना रहा है। मैं मान लेता हूँ ये plastic bottle बना रहा है और वो आप उस company के अंदर हैं और market कर रहे हैं। तो आप जो भी कुछ वहाँ पे कर रहे हैं you will be positioned as डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। लेकिन एक एजेंसी के अंदर जब आप काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिजिटोज इज एन एजेंसी, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जहां पे सिर्फ एक ही कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज के प्रोजेक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो अकाउंट्स डिजिटल मार्केटिंग अकाउंट्स मैनेजर, यहाँ पे अकाउंट्स का मतलब फाइनेंस नहीं है, यहाँ पे अकाउंट का मतलब है क्लाइंट। तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल क्लाइंट एक एजेंसी को आएगी तो आपको क्या करना है, इस क्लाइंट का ये काम करने के लिए ये वाली टीम काम करेगी, इसके लिए ये क्रिएटिव टीम काम करेगी। तो आप क्या कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर क्लाइंट के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो। एजेंसीज के अंदर, बड़ी एजेंसीज के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर अकाउंट्स मैनेजर होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग अकाउंट्स मैनेजर। वो एक जैसे कहते हैं ना कन्वेंशनल मार्केटिंग के अंदर कहते हैं अरे तुम्हारे अकाउंट में ये चार क्लाइंट है तो ये चार क्लाइंट तुम्हारे अकाउंट में है, सारा कुछ तुम्ही को देखना है। तो उसी तरह से यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे मतलब ये है कि यू विल बी रिस्पांसिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ 4 क्लाइंट्स, 5 क्लाइंट्स और 6 क्लाइंट्स। तो आप अकाउंट्स मैनेजर हो जाते हैं, यानी एसईओ मैनेजर या डिजिटल मैनेजर से ऊपर का रोल होता है अकाउंट मैनेजर। ओके सर, थैंक यू। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, आई एम कुणाल सर। या कुणाल, टेल मी। सर आई हैव सीन द ऑल द स्लाइड्स यू हैव शोन इन दिस डिस्कशन, right? So it is beneficial to us also, but at the same time sir, we have missed some slides what it has been written. So how could we get this slide? You have to contact PSA, peerless academy ko aap contact kare, they will share ye slide unke sath share kar liya jaye. Thank you. Anyone else? चलिए, अगर 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 आप लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है तो हम ऑलमोस्ट रात के 9:30 बज रहे हैं। एनीवन हैज सम क्वेश्चन, अनिमेश और एनीवन? ओके सर,
ये जो SEO और SEM अपने कहा अभी वो थोड़ा सा आएगा तो वो टर्मिनोलॉजी, इसीलिए मैंने कहा कि इस टर्मिनोलॉजी को आप लिख लें। जब हम अलग अलग क्लासेस लेंगे 3-4 दिन के बाद, अगर आप रोस्टर देखेंगे जो आपको मिला है उसके अंदर SEO का अलग टॉपिक है, SEM का अलग टॉपिक है, तो वहाँ पे आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी एक कीवर्ड जो गूगल के अंदर कैसे रैंक कर जाए उस पर्टिकुलर प्रोसेस को SEO कहते हैं। और अगर वही पेड एड है गूगल के अंदर, अगर हम पैसे दे रहे हैं गूगल को हम अपने एड के लिए, तो वो SEM हो जाता है, सर्च इंजन मार्केटिंग हो जाता है, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। हम जब चैप्टर लेंगे, वो क्लास जब करेंगे, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, और कल जब मैं फिर 8 बजे आऊंगा तो फिर हम लोग फिर बात करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिफोर क्लोजिंग आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग टाइम पे आए। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग थे जो कि 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, आधा आधा घंटा लेट, 45-45 मिनट लेट आए हैं, ज्वाइन किए हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा टाइम पे आ जाएं, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब ये टाइम दे रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से सीखें, राइट। और बस मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द फर्स्ट सेशन, और हम लोग कल, आप रोस्टर देख लें, कल हम लोग टॉपिक हम लेंगे, और थोड़ा सा पेन एंड पेपर के साथ आए जो कि मैं असाइनमेंट दूं या कुछ बोलूं तो आप लोग नोट डाउन भी करें, राइट जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट, सी यू टुमारो, गुड नाइट सर, स्टे सेफ।